हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज मैं कहीं नहीं गया और मैं बैठा हूँ रूम में आराम से चेयर पे। और एक बंदे ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि उसको इस कॉलेज में, मेरे कॉलेज में मतलब मधुबनी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उसने पूछा कि पूरा प्रोसेस बताइए कि एक तो कि कैसे पूरा प्रोसेस है कि एडमिशन कैसे कराएंगे और दूसरा कि कॉलेज कैसा है। तो दोस्त पहले बता देते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, उसके बाद बताएंगे कि कॉलेज कैसा है। बगल में बैठ कर हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सब। आओ ना दोस्त, तुम भी हेल्प कर दो। तो बात यह है कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। सबसे पहले तो नीट में क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो अगर आप नीट में क्वालिफाई हो गए, उसके बाद से अगर मार्क्स भी लगभग 200 के आसपास आ गया तो चांस रहता है इस कॉलेज में एडमिशन हो जाने का। और अगर आपका मार्क्स उससे थोड़ा सा कम है तो मतलब डिपेंड करता है, अलग अलग नंबर पे अलग अलग कॉलेजेस बहुत सारे हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस कॉलेज में अप्लाई करना है, मेरे कॉलेज में मधुबनी मेडिकल कॉलेज में, तो इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको इसमें काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा, पहला काउंसलिंग, उसके बाद दूसरा काउंसलिंग, उसके बाद तीसरा काउंसलिंग। और जितना आपके मार्क्स होगा उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है। और सबसे लास्ट में होता है मॉप अप राउंड, जिसमें कि मैक्सिमम इस कॉलेज का जो सीट है वो मॉप अप राउंड में ही भरता है, क्योंकि बहुत कम मार्क्स वाले लोग आते हैं यहाँ पे। मतलब सबसे हमारा जब एडमिशन हुआ था हम लोग के टाइम पे, तो उस समय सबसे कम मार्क्स थे पूरे नीट में, जितने भी बंदे थे सबसे कम मार्क्स वालों का मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था। यहाँ तक कि जो जस्ट क्वालिफाइड था उसका भी एडमिशन मेरे ही कॉलेज में हुआ था, शायद 124-125 के आसपास उस समय क्वालिफाइड नंबर था। तो उतना जिसका आया था वो लोग इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, मतलब 150 भी आया था तो लोग एडमिशन लिए थे। तो आप इस कॉलेज में वैसे करके एडमिशन ले सकते हैं। और अभी के टाइम पे आपको किसी भी ब्रोकर को, किसी दलाल को पकड़ने का जरूरत नहीं है अगर आपको एडमिशन करवाना है किसी भी मेडिकल कॉलेज में पूरे इंडिया के अंदर। क्योंकि अगर एडमिशन होगा तो वो काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, अगर कोई ब्रोकर भी होगा तो वो आपको पैसे ले, आपसे पैसे ले लेगा, लेकिन वो एडमिशन कराएगा काउंसलिंग के थ्रू ही। क्योंकि अब कॉलेज में सेटिंग वेटिंग किसी का नहीं चलता है, जिसका मार्क्स होगा उसका एडमिशन होगा, आपको पैसा देके किसी का एडमिशन नहीं होता आप किसी भी कॉलेज में इंडिया में, मेडिकल के अंदर तो पता है, बाकी सारे कोर्स का नहीं पता हमको। तो ये हो गया प्रोसेस। और सबसे ज़्यादा लास्ट में ही, मतलब जितने भी लोग होते हैं जिसका 200-300-200-250 नंबर कम होता है उनको कॉलेज जो है वो मिल जाता है, लेकिन मॉपअप राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। मॉपअप राउंड में आप जाइए अप्लाई कीजिए और आपको कॉलेज डेफिनेटली आपके मार्क्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और मॉपअप राउंड में कैटेगरी वाइज नहीं मिलता है कॉलेज, उसमें जिसका मार्क्स ज़्यादा रहता है उसको कॉलेज पहले मिलता है। तो ये हो गया कॉलेज लेने का एडमिशन प्रोसेस। अब हो गया कि कॉलेज कैसा है। तो कॉलेज दोस्तों मतलब लाजवाब कॉलेज है, ऐसा कॉलेज आप जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं इस कॉलेज का फर्स्ट बैच हूँ तो मैंने इस कॉलेज को यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा, मतलब छोटा से बड़ा होते हुए देखा है मैंने इस कॉलेज को। तो मुझे इस कॉलेज के बारे में सब चीज़ पता है। तो अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ाई किसी भी कॉलेज में ख़राब नहीं होता है, ख़राब स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स ही कॉलेज को ख़राब करते हैं या फिर वहाँ के स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। तो हमारा कॉलेज का जो जितना भी स्टूडेंट है, मतलब कॉलेज तो एक नंबर चीज़ है, आपको फैसिलिटी में कोई कमी नहीं होगा और बढ़िया कॉलेज, खास बात यह। दूसरा चीज़ कि अगर ये कॉलेज जो मेरा कॉलेज है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये है डॉक्टर फैयाज अहमद सर का, तो ये कॉलेज जो है वो माइनॉरिटी कॉलेज है। लेकिन अगर आप कॉलेज में आते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ जो माइनॉरिटी होते हैं तो उनमें लोगों को लगता है कि जो मेजॉरिटी में रहेंगे वो माइनॉरिटी वाले को दबा के रहेंगे। ऐसा नहीं होता है हमारे कॉलेज में, तो बिल्कुल नहीं होता। हम लोग को तो फील भी नहीं होता है कि हम लोग माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, और ऐसा माहौल भी नहीं है यहाँ पर। और अगर आप कॉलेज की बात करें तो पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। कॉलेज का अगर इंट्रो आपको जानना हो, कॉलेज में हॉस्टल कैसा है, लेक्चर सेट थिएटर्स कैसे हैं, हॉस्पिटल कैसा है, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जो कि इसी चैनल पे है। और उस वीडियो पे अच्छा खासा रीच भी गया है, उसमें मैंने कॉलेज का टाइटल डाला है कॉलेज इंट्रो, तो उसमें आप एक एक चीज़ देख सकते हैं कि कॉलेज में क्या है क्या नहीं है, वो सारा डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। और कुछ पूछना हो नहीं, और मेरे को नहीं लग रहा है कि और कुछ बताने हैं मुझे। और आप लोग को लग रहा है सुझाव रहा है वो तो कमेंट कर दीजिए। हाँ, अगर आप लोग को लगता हो कि मुझे ऐसा कोई चीज़ है जो मुझे आप लोग को बताना चाहिए और जो मैंने नहीं बताया, तो आप उसके लिए मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हैं। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक कमेंट की वजह से ही एक बंदे ने कमेंट किया कि आप बताइए अपने कॉलेज के बारे में सारा चीज़, तो मैंने बता दिया कि एडमिशन कैसे लेना है। दोस्तों दलाल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ब्रोकर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, कितना भी पैसा दे लो एडमिशन होगा तो काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। तो आप इस सब के चक्कर में पड़िए नहीं, बिना काम का आपका पैसा बर्बाद होगा, और एडमिशन आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे ही होना है। और अगर और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आगे से उसकी वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग अगर मोटो ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे कि ये कॉलेज में क्या क्या होता है और कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, तो मैं ऐसा कोई नॉर्मली, मेरा चैनल इसके लिए नहीं है, मेरा चैनल ब्लॉगिंग चैनल है, तो मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग ही डालता हूँ। और आज मैं बाहर कहीं गया नहीं तो इसकी वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, और जब किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा कि उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देता हूँ, तो उसको मैं लिंक भी भेज दूंगा इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और सिर्फ तभी जुड़े जब आपको मोटर ब्लॉगिंग देखनी हो या फिर ब्लॉगिंग देखनी हो। और अगर आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चाहिए थी तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक करके छोड़ दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।